गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इट्स डे 3 इन गोवा। अगेन गोवा वाला अटायर है आज के लिए भी। कल लकीली हमें रूम चेंज कर लिया, हमने होटल चेंज कर लिया हमें, और एक काफ़ी अच्छा जो है रूम जो है मिल गया हमें। जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा रूम है, काफ़ी बड़ा है। आई नो थोड़ा मेसी लग रहा है। काफ़ी जो है अच्छी प्लेस है ये, काफ़ी नीटली मेंटेन्ड है, रूम्स भी अच्छे हैं एंड सारा कुछ, इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। अभी ब्रेकफास्ट करना है और आज का जो हमारा साइट सीइंग का जो प्लान है उस पर निकलने का है। चर्च में तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो अब चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। और मेरे को एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि ये गोवा कहीं तेलंगाना या एपी में तो शिफ्ट नहीं हो गया भाई? जिधर जाओ उधर तेलुगु लोग, जिधर जाओ उधर तेलुगु लोग। हद तो तब हो गई जब मेरे रूम के बाजू वाला जो रूम है वो रूम में भी तेलुगु लोग, मतलब बीच पर जाओ वहाँ पर तेलुगु लोग मिले, फोर्ट गए वहाँ तेलुगु लोग मिले, अभी चर्च गए वहाँ पे तेलुगु लोग मिले, अब यहाँ म्यूज़ियम जा रहे हैं तो यहाँ भी तेलुगु लोग ही मिल रहे हैं। मतलब हद ही हो गई है, तो ऐसा लग रहा ही नहीं कि मैं हैदराबाद से निकल के गोवा आया भी हूँ। मतलब इतना अच्छा एम्बियंस है, बिल्कुल भी फील आता नहीं कि आप इंडिया में हो। इतना ज़बरदस्त इसका एम्बियंस है, इतनी अच्छी तरह से बना हुआ है बाहर से। जब अंदर जाओ तो आपको बोला जाता है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नॉट अलाउड। मतलब आप आओगे तो आप क्या मेमोरीज लेके जाओगे इतनी दूर से आए हो? अगर आप घर वालों को दिखाना है, किसी और को दिखाना है, क्या ही दिखाओगे जब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है? तो ये तो हद ही हो गए भाई। मतलब थोड़ा बहुत सरप्राइज तो सोचा ही था, बट इतना बड़ा सरप्राइज कि भाई ना चर्च में फोटोग्राफी अलाउड है ना म्यूज़ियम में अलाउड है, तो कांट हेल्प। सो ये वो जगह है जहाँ पे सिंगम फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ पे वो जो फाइट सीक्वेंस था यहाँ पे शूट हुआ था। अब मेरे पास तो कोई है नहीं जिसको मैं टप्पे मार के गिरा के आपको सीन रिक्रिएट करके बताऊं, बट आपको देखने से पता लग जाएगा कि जैसे ये लैम्प पोल्स हैं इनसे आपको पता लग ही जाएगा कि यहाँ पे जो है वो मूवी की शूटिंग हुई थी। काफ़ी अच्छी जगह है। सो दोना पावला से 2 कदम की दूरी पे है मीरामर बीच। ज़्यादा कुछ क्राउड नहीं है, बट देन बिकॉज हमारे आइटनरी में था या ये, तो हमने सोचा हम ये भी देख लेते हैं। बहुत थोड़ा सा क्राउड है, बट एक अच्छी बात है कि यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे हट टाइप बने हुए हैं जिसमें कि आप बैठ सकते हो विद फैमिली, जैसे कि वहाँ पे देख सकते हो आप। तो ऐसे छोटे छोटे ये हट्स टाइप बने हुए हैं, बट क्राउड तो वही बिल्कुल थोड़ा सा ही क्राउड है कंपेयर टू जो बीचेस है हमने कल देखे थे। मौसम अच्छा है, हवा अच्छी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बीच पे घूमने का मज़ा आ रहा है। सो बिफोर द एंड ऑफ द डे हम आ गए हैं क्रूज़ करने के लिए।
ऑल दो बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट हमने सोचा कि भाई अब आए हैं तो एटलीस्ट ये तो करें। आई नो कसिनो वगैरह भी है, बट मुझे कसिनो वगैरह का इतना कुछ शौक नहीं है, सो एटलीस्ट क्रूज ट्राई किया जाए। तो बस अब क्रूज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम।